सिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज एक ऐसा टॉपिक जो 10th क्लास में एक तरह से हम कहें कि सबसे वैल्यूएबल टॉपिक है तो भी ठीक है, अगर हम ये कहें कि इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो भी ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो भी ठीक है, और एक ऐसा टॉपिक जो एंडलेस भी हो सकता है, ये भी क्या कहा जा सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर लाइक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली आइडेंटिटीज क्या होती हैं? रिजल्ट्स होते हैं जिनको हमें याद रख ले तो हमें बहुत आसान नहीं होती है ये समझने में कि या यूं कह लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। हमने जब a प्लस बी का होल क्यूब सीखा था या स्क्वायर सीखा था कि क्या a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है कि a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी तीन बार अगर मल्टीप्लाई हो जाए, बाइनोमियली अगर तीन दो टर्म्स तीन बार मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हमें अगर याद रह जाए तो हमें बार बार ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही समझाया गया था ना, आइडेंटिटीज यही तो होती है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं। आइडेंटिटीज अगर हमें याद हो जाए या यूं कह लीजिए रिजल्ट अगर हमें याद हो जाए तो हमें हर बार उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो प्योर मैथमेटिक इज समथिंग रिलेटेड टू आइडेंटिटीज, यूं कह लीजिए आइडेंटिटीज आर रिलेटेड टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स, राइट। चलिए कोशिश करते हैं आइडेंटिटीज को समझने की। वी आर लकी दिस ईयर द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसलिए केवल तीन आइडेंटिटीज अपने सिलेबस में है। यूं नहीं कि इस साल रिड्यूस हुआ है सिलेबस इसलिए तीन है, बल्कि शुरू से ही 10th क्लास की करिकुलम में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है। चलो उनका डेरिवेशन समझते हैं, या यूं कह लीजिए उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझते हैं। सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, triangle ABC, right angle at B, and C is the angle of observation. If C is the angle of observation, then we know that perpendicular is AB, the side opposite to theta, the angle of observation. Along the theta is the side which is known as base, and opposite to right angle is the hypotenuse. So AB is the perpendicular, BC is the base, and AC is the hypotenuse in this right angle triangle ABC, right angle at B. According to the Pythagoras theorem, AB square plus BC square should be equals to AC square. According to the Pythagoras theorem, AB square plus BC square should be equals to AC square. The sum of the squares of two sides is equals to the sum square of the longest side or the hypotenuse, we can say, right? Pythagoras theorem, है ना? अगर हमें इसे रेशियोस में बदलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में बदलना है, तो हमें याद होगा PBP अपॉन HHB, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो किसी दो साइड्स का रेशियो होता है ना। हमने याद किया हुआ है साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक एंड कॉट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के नाम जानते हैं तो इसको चलो रेशियोस में बदलते हैं। अगर हमें इन साइड्स को रेशियोज में बदलना है तो किसी भी साइड के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं या बी सी स्क्वायर से कर देते हैं या ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी एक से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। सिंपल है, हमने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में बदलने के लिए साइड्स का रेशियो लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, स्क्वायर्स की बात हो रही है, तो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स ही हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद ए सी स्क्वायर। नाउ AB अपॉन AC, AB इज परपेंडिकुलर एंड AC इज हाइपोटेन्यूज, सो P अपॉन H का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको, P अपॉन H स्क्वायर। इसी तरह से BC अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC इज बेस and AC is hypotenuse, so base upon hypotenuse ka square is equals to 1. AC square upon AC square is 1, of course, na? Chali, ratios aa gaye. P upon H is sine, so this is sine square theta plus base upon hypotenuse, B upon H, iska matlab cos, so ye ho gaya cos square theta is equals to 1. So this is the first identity, one of the identity of trigonometry, and that is sine square theta plus cos square theta is equals to 1. सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी और सबसे जल्दी याद होने वाली आइडेंटिटी।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. सिंपली मीन्स दैट एक पाइथागोरस थ्योरम ओबे करने वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमेशा क्या होगा, हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा. अगर हम रेशियो की टर्म्स में कहें तो पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर हमेशा वन होगा. तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ही होगा, है ना. हम जिन जिन वैल्यूज को जानते हैं चलो उन उनकी बात करते हैं, ठीक है, पहले. फिर उसके बाद में थोड़े से और बातें एकदम क्लियर करेंगे इसको. अगर हम साइन स्क्वायर जीरो डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री ले लें, यहाँ साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी डिग्री ले लें, फिर हमें मालूम है 45 डिग्री की वैल्यू. तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ले लें, यहाँ हमें 60 और 90 की वैल्यू भी मालूम होती है ना. तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ले लें, यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू ले लें, हम हर केस में वैल्यू देख सकते हैं ये इक्वल टू वन ही होगी. चाहे तो वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा. हमेशा हमेशा हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ही आएगा. यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से हमें क्लियर है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है. इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई या कोई और एंगल वन के इक्वल नहीं होने वाला. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही वन होगा. यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अगर साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी ले रहे हैं तो ही वन होगा, लेकिन साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए वन नहीं होगा. यानी थीटा यानी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर बेस फिक्स होंगे, वरना परपेंडिकुलर बेस तो चेंज हो जाएंगे किसी भी ट्राइंगल में, है ना. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. हम कभी नहीं कह रहे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री वन हो जाता है, ना नहीं होता. लेकिन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वन हो जाएगा, राइट. इसका मतलब यह है कि हम किसी भी अननोन एंगल के लिए भी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री के लिए भी हम श्योर शॉट हैं कि एंगल की वैल्यू हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हमेशा वन होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है. दिस इज माय मैथ क्वेश्चन. सपोज इन एग्जामिनेशन समबडी आस्क्स दैट व्हाट इज साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20. अब हमें वहां पजल नहीं होना है कि 20 डिग्री, अरे 20 डिग्री तो हमें पता ही नहीं, 20 डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं आती, 20 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं पता क्या करें, पता नहीं क्या होगी वैल्यू. लेकिन हमें याद रहना चाहिए था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा वन होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, वन ही होगी. ठीक है, पहली बात थीटा याद रहेगा ना, थीटा सेम होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें कोई कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, बिकॉज दिस इज साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू. इफ इट इज साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, देन वी आर श्योर दैट इट इज वन. इफ इट इज साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, देन वी आर श्योर दैट इट इज वन. ठीक है, क्लियर है ना. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर है तो वो वन है, वेयर ए और थीटा जो भी है वो कुछ भी हो जाए. ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ये एक आइडेंटिटी है. अगेन दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स, सो वी कैन नॉट से दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, बट दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी. क्लियर है ना. जैसे अपने को कोई कहे अल्जेब्रिक, अच्छा चलो अल्जेब्रा की आपने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी, बताओ सिक्स आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो सिक्स आइडेंटिटी ऐसे कुछ नहीं होती है. कोई फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं है कि जिसका लॉ या इक्वेशन या प्रिंसिपल जो है वो फिक्स होगा. एक आइडेंटिटी है, वन ऑफ द आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन. ओके, चलो दूसरी निकालते हैं, एक और रिलेशन निकालते हैं. क्या था पाइथागोरस थ्योरम, कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, है ना. तो कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियोस पी 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 अपॉन एच एच बी, हमें मालूम है ये साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक एंड कॉट, है ना. चलिए मान लीजिए इस बार पूरी क्वेश्चन को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. चलो
ईवी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, करते पूरी इक्वेशन को ईवी स्क्वायर से डिवाइड, तो देखते हैं क्या रिलेशन आता है अपने पास में। इफ वी आर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद एबी स्क्वायर, तो ये एबी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद एबी स्क्वायर, राइट। एबी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर इज वन, ओके। बीसी अपॉन एबी, वॉट इज बीसी इज बेस एंड एबी इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर is equals to AC upon AB. AC is hypotenuse and AB is perpendicular. So this is hypotenuse upon perpendicular ka square. Check कीजिए आपने क्या किया, जो Pythagoras theorem थी उसको trigonometric ratios में बदलने के लिए आपने पूरी equation को AB square से divide कर दिया। जब आपने पूरी equation को AB square से divide कर दिया तो आपके पास trigonometric ratios आ गए, है ना। B upon B, base upon perpendicular is cot, so 1 plus cot square theta is equals to h upon p, and h upon p hota hai apne paas cosec, so this is cosec square theta, so ek aur identity aagi apne paas ki jab bhi 1 plus cot square theta hoga to wo cosec square theta ki sorry equal ho jayega, hai na। Again theta ko mujhe batane ki zarurat nahi hai, maine pichle example mein emphasize kiya hai that theta should be same, so 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta is another identity, right? चलिए, अगर हमने AC square से divide कर दिया है, AB square से divide कर दिया है, तो फिर BC square से क्यों भेदभाव रखना है? चलो, उससे भी divide करते हैं। इस बार खुद relation निकाल के देखो, divide the whole equation with BC square, खुद करके देखिए क्या relation आता है, क्या identity आती है। Dividing the whole equation with BC square. I hope you are, you must have done it. Kar diya BC square se divide puri equation ko? 1, 2, 3, 4, correct? Okay, good, good, good. How many of you have taken out the relation? ठीक है, गुड, यस, ठीक है। हेलो सर। गुड, हाँ, गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग सर। सर इसके अंदर रिलेशन हमारे पास ये आइडेंटिटी आई कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। चलो कैसे, एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये वन है सर। ये जो p अपॉन b का होल स्क्वायर है, ये जो ab स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर है, a b p है और bc जो है वो b बेस है, तो p अपॉन b का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। और वो h अपॉन b का होल स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन b, हाइपोटेन्यूज और बेस का होल स्क्वायर है, बिल्कुल। ac इज हाइपोटेन्यूज एंड bc इज बेस, बिल्कुल ठीक है। p अपॉन b को हम क्या कहते हैं, tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल टैन कहते हैं, तो ये टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एच अपॉन बी आया है आपके पास में। हाँ सर, ये सेक्स स्क्वायर थीटा, ये सेक्स स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। सो ये एलिमेंट्री एक तरह से अगर देखा जाए तो दीज आर एलिमेंट्री आइडेंटिटीज, थैंक यू करण। सो दीज आर एलिमेंट्री आइडेंटिटीज एक तरह से देखा जाए तो, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर दिस ईयर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, अगले साल मैथ्स अगर 11th में लेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अभी केवल इन तीन आइडेंटिटीज से ही डील करना है अपने को। सो वन मोर आइडेंटिटी इज एडेड एंड दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। इन तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास में, और इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या यूं कह लीजिए इनका ही एप्लीकेशन अपने को सीखना है। हमेशा याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अपन ने अभी डिस्कस करी कि थीटा शुड बी सेम। हम हमेशा ये याद रखेंगे कि अगर हमें कोई ये कहे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री होता है, तो हम स्टेटमेंट को हमेशा गलत ही कहेंगे, क्योंकि ये गलत है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 20 डिग्री तो समझ में आता है,
लेकिन अगर ये 20 डिग्री नहीं है, कुछ और एंगल है तो गड़बड़ है ना। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डेरिवेशन आज अपन ने सीखा, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, राइट। और